शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। अपने शरीर का हरण यहाँ पर जो किया है और एक दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में हमारे अनमोल हीरे, हमारे संगठन के अनमोल हीरे के रूप में ये जो निखर करके सामने आए, मैं सादर सादर नमन करता हूँ। इन पांचों को मैं सादर सादर नमन करता हूँ। साथ ही मैं नमन करता हूँ आप लोगों के जज्बे को। आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया, इतना जबरदस्त आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया कि इन लोगों को इनकी व्याधियों का पता ही नहीं लगा। ये आपके उत्साह की रूपी जो दीपक था, जो लो थी, उस लो से प्रदीप्त हो रहे थे। ये देखिए आप, हमें भी वही छाता दिख रहा था 46,000 कि वो मधुमक्खी का छाता छिड़ गया ना तो फिर वो मधुमक्खियां बैठ जाएगी और हम तो रह जाएंगे। और यही बात इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ट्रांसफर जैसे ही सरकार घोषित करती है, ऐसा नहीं है, ये जो अभी ट्रांसफर चल रहे हैं, चाहे प्रधानाध्यापक का हो, प्रधानाचार्य का हो, लेक्चरर का हो, सेक्रेटरी का हो, ये कब से चल रहे हैं आपको पता है? ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन ये तो चलते हैं और इसमें सिस्टम में समय भी लगता है। ऐसा नहीं हर एक दिन हो गया, बुलाना पड़ता है, कहाँ कहाँ क्या क्या मामला है, ये सारा सिस्टम होता है। हम एक ही बात से चिंतित थे पिछले 4 दिनों से कि ये जो रिक्तियां अगर सरकार जिलेवार घोषित कर देती है तो उसके बाद में हमारे स्थानांतरण होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में रिक्तियां रहेगी नहीं। और यही बात हम जहां जहां जा रहे थे हम बता रहे थे उनको, भाई हमारी पीड़ा ये है। वो क्या यार, ट्रांसफर भी हो जाएंगे ना, आप एक महीने तो रखो धीरज आपके। हमका भी धीरज का मामला नहीं है, बात यह है कि आप ये जो 47,600 की जो रिक्तियां ला रहे हो, 47,500 के लगभग जो आप ये अगर कर दोगे तो फिर हमारे लिए जगह कहाँ बचेगी? बात यह है, मुद्दा ये है। 3 बार लगातार जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नोटिस में ये बात है। अब देखिए, आप लोगों को बता दूं, मुख्यमंत्री की सबसे टॉप की अगर कोई ब्यूरोक्रेट, वो जो चीफ सेक्रेटरी होती है उससे ज्यादा पावरफुल होती है सीएम सेक्रेटरी। और वो जो सीएम सेक्रेटरी बोलती है वो इसका मतलब मुख्यमंत्री ही बोल रहा है, ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री के बिहेव पे ही वो बोलती है। उन लोगों को हमने पीड़ा बताई, फर्स्ट डे हम गए, उसने कहा भाई बात तो आपकी ठीक है, ये बात में मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे हम आपकी। उन्होंने उस दिन आश्वासन नहीं दिया था, हमें सत्य बता रहे हैं, उस दिन नहीं कहा था कि ये बात है। नेक्स्ट डे जब हम गए तब बात हुई, कल जब हम गए तो बात हुई, आज हम वहीं गए तो बात हुई। उनकी बातों से निकल करके आया कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर अब आश्वस्त है। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आप लोगों की जो 46,700 की रिक्तियां हैं इससे पूर्व आप लोगों के स्थानांतरण करेगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। किस प्रकार का आश्वासन हमें, हम गए मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास के पास, उनको भी हमने पीड़ा बताई, वो समझे नहीं, बहुत देर तक उनको समझाने में समय लगा। पर जब उनको समझाया कि जिलेवार बता देंगे, भाई ये यहाँ पर सिरोही में 500 पद है, झुंझुनू में 400 है, तो 400 जब नई भर्ती वाले आएंगे तो वो पहले जाएंगे ना, आप हमारा ट्रांसफर कब करोगे बताइए? और जब ये घोषित हो जाएगी, ये पद इसकी रिक्तियां जो घोषित हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने बात को तुरंत भांप लिया, उन्होंने कहा ये ठीक है। अब आप निश्चित रूप से ये मानिए, ये मेरे तरफ से मैं कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आप लोगों के स्थानांतरण उससे पूर्व हो जाएंगे। आपके धरने आप समाप्त करिए मेरे लिए। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा अभी प्रिंसिपल के, लेक्चरर के, इनके ट्रांसफर को छुटपुट लिस्टें आनी बाकी है, जैसे ही वो लिस्टें आएगी आप लोगों के स्थानांतरण शुरू कर दिए जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। इसलिए हम अब और भी मीठा पद प्राप्त करने का हमारा चल रहा है प्रयास, अभी भी जारी है। हम चाहते हैं कोई आए और हमसे बात करे और हमारी बात को यहाँ पर रखे, क्या क्लेरिफिकेशन है इस बात को रखे। इस प्रकार का हमारा प्रयास है, आप लोग धीरज बनाए रखे। आपने 4 दिन निकाले हैं, थोड़ा सा समय हम और चाहते हैं आपसे, सम्मानजनक स्थिति में आपका कोई ना कोई निर्णय करेंगे। जय संगठन।